एक लक्ष्य निर्धारित कर उस पर मेहनत करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, आपको आनंद दे, आपका जीवन सरल करे, आप आनंद से परिपूर्ण हो। आपका जीवन छोटा लगेगा ऐसे में। जीवन भारी कब लगता है? जब आपके पास बेकार सा कार्य हो, आपका मन नहीं लग रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आपने तय किया है जीवन में बनने का, करने का, कुछ समाज के लिए उपयोगी करने का, तो इसके लिए आपको सतत मेहनत करने की आवश्यकता है, एक कंटिन्यू मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसी से संबंधित मैं एक भजन सुनाना चाहूंगा जो आपको प्रेरणा से परिपूर्ण करेगा। तो कहते हैं कि ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, अरे तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा अतुलित साहस, और तुम्हारा अतुलित साहस गिरी की भांति अचल है। ओ साथी केवल पल भर को, ओ साथी केवल पल भर को, माया मोह बिसारो, रे हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। खुशबू कुमारी है मेरी भतीजी। देखिए, हर बच्चा को एक आत्मनिर्भर कैसे एक एक शब्द से होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर जो कचरा फैलाए हुए हैं, उसे बेहतर है कि शिक्षकों को, जो अच्छे शिक्षक है, सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें पड़ोसे, उसको बांटे। तो खुशबू कुमारी, अगली स्टंजा याद है आपको? ओके। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, अरे मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे, आज कहाँ तक जग है। ओ साथी केवल पल भर को, ओ साथी केवल पल भर को, माया मोह बिसारो, अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। धन्यवाद।